नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त सौरव कुमार, और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरव कुमार एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में, कि ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ न्यूमेरिकल कह रहा हूँ सॉरी, कुछ MCQ क्वेश्चन करवाऊँगा, जिसके अंदर क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन करवाऊंगा आज के MCQ में, और इसकी भी सीरीज है, कम से कम 200 क्वेश्चन करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो जिनमें से पक्का है कि क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो कंफर्म हो जाएगा कि आपके नंबर जो है गारंटेड इसके अंदर से ही आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफॉर्मर। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती है, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्रांसफार्मर के अंदर कभी भी चेंज नहीं होती है, फिक्स होती है, ठीक है। वोल्टेज वगैरह के लिए तो हमने देखा है कि स्टेप अप स्टेप डाउन वगैरह ट्रांसफार्मर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर के अंदर जो एनर्जी है कन्वे करी जाती है प्राइमरी टू सेकेंडरी, किसके थ्रू, थ्रू कूलिंग कॉइल, थ्रू एयर, बाय द फ्लक्स, या नन ऑफ द अबव। तो किसके द्वारा जो एनर्जी कंफर्म होती है, किसके द्वारा, बाय द फ्लक्स के द्वारा जो है एनर्जी को हम क्या करते हैं, भेजते हैं आगे। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आप सबके सामने क्या है, अ ट्रांसफॉर्म कोर इज लेमिनेटेड टू, जो ट्रांसफार्मर का कोर है उसे लेमिनेट किया जाता है किस वजह से, टू रिड्यूस हिस्टेरिस लॉस, टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस, टू रिड्यूस कॉपर लॉसेस, या टू रिड्यूस ऑल ऑफ द अबव लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है, हम कोर को लेमिनेट करते हैं ना, तो क्या रीज़न है उसका, क्यों करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, टू रिड्यूस एडी करेंट लॉसेस, जो एडी करेंट लॉसेस है उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सेकेंड जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं क्या दे रखा है, द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन, द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द लेमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जो डिग्री द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द लेमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, या फिर ऑप्शन बी, या सी, या डी, इनमें से कौन सा सही होगा। तो जो हम करते हैं, जो डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होता है लेमिनेशन के, तो ये चारों पे करता है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, द नो लोड करंट ड्रोन बाय ट्रांसफार्मर इज यूजली व्हाट परसेंट ऑफ द फुल लोड करंट। तो आपका सही आंसर क्या होगा बताओ, 0.2 से लेके 0.5, या फिर 2 से लेके 5%, या फिर ऑप्शन सी 12% to 15%, या ऑप्शन डी जो होगा आपका 20% to 30%। तो आपका सही आंसर क्या है, 2 से लेके 5% जो होता है वो होता है फुल लोड करंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, हाई रिलक्टेंस, लोअर रेजिस्टेंस, या फिर लोअर रिलक्टेंस। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है, क्या होता है, लो रिलक्टेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, लो रिलक्टेंस होता है, होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम,
नो लोड ऑन अ ट्रांसफॉर्मर, नो लोड ऑन अ ट्रांसफॉर्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन कॉपर लॉस, मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस, या फिर इफिशेंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर. नो लोड ऑन अ ट्रांसफॉर्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन, तो इसका सही आंसर क्या है? मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस. तो मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉसेस के लिए जो होता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8. तो क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर की कितनी होनी चाहिए? 33 kV, 1 kV, 330 kV या फिर 300 kV. तो इसका सही आंसर क्या है? 33 kV. 33 kV जो होना चाहिए उसका, ठीक है, ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द संपन्नर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन. तो संपन्नर टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर के लिए किस लिए होता है, क्या डिटरमाइन करने के लिए होता है? तो किस चीज के लिए होता है वो? टेम्परेचर को जो हम कर, टेम्परेचर के लिए होता है. तो संपन्नर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन टेम्परेचर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, द परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज. द परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज अराउंड 1.7 वेबर पर मीटर, 2.7 वेबर पर मीटर, 3.7 वेबर पर मीटर, या फिर ऑप्शन डी जो है 4.7 वेबर पर मीटर. कितना होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1.7 वेबर पर मीटर. अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, द इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम. द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉसेस, या फिर ऑप्शन बी जो है आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस इक्वल टू एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन सी जो है आप सबके सामने वो क्या है, एडी करंट लॉसेस एंड इक्वल टू कॉपर लॉसेस, इक्वल टू का साइन आएगा इसके बीच में, और आपका आखिरी जो है ऑप्शन डी क्या है, कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस. इनमें से बताओ कौन सा सही आंसर होगा. क्वेश्चन क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉपर लॉसेस इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉसेस, ऑप्शन बी जो है आपका हिस्टेरेसिस लॉसेस इक्वल टू एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन सी जो होगा आपका वो क्या है, एडी करंट लॉसेस इक्वल टू कॉपर लॉसेस, या ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा आपका, कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस. तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी जो है आप सबका सही आंसर है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? कॉपर लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉसेस. तो एफिशिएंसी जो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम तभी होती है जब हम कॉपर लॉस को आयरन लॉस के इक्वल कर देते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर. नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर क्या होगा? लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 75 डिग्री, लीड बिहाइंड द वोल्टेज, सॉरी, लीड द वोल्टेज बाय अबाउट 76 डिग्री, लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 15 डिग्री, या फिर लीड द वोल्टेज बाय अबाउट 15 डिग्री. तो जो नो लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर में वो क्या करता है? लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 75 डिग्री. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज टू. द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज टू. क्या पर्पस होता है आयरन कोर को प्रोवाइड करने का ट्रांसफार्मर के अंदर? पहला ऑप्शन है आप सबके सामने, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वाइंडिंग, ऑप्शन बी जो है रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, ऑप्शन सी जो है आपका क्या है, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, ऑप्शन डी जो है आप सबका क्या है कि टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है आप सबको, विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टॉलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टॉलेशन, कंजर्वेटर, ब्रीदर, रिले या फिर एक्साइटर, क्या होगा सही आंसर? कंजर्वेटर, ब्रीदर, ग्लूकोज रिले या फिर एक्साइटर, एक्साइटर। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही होगा, जो एक्साइटर होता है, एक्साइटर होता है वो नहीं होता है ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टॉलेशन में, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? व्हाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफॉर्मर द फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। जब भी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब करते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो कौन सी साइड को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं? तो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस पे करता है? लो वोल्टेज साइड पे करते हैं, तो लो वोल्टेज साइड को क्या कर देते हैं हम? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पूछ रखा है, इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज़ गॉट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज़ गॉट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो किस में होता है? लो वोल्टेज वाइंडिंग में, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, या फिर प्राइमरी वाइंडिंग में, या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में? इसका आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वो जो होता है हमारा किस में होता है? लो वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर जो होता है ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म, तो एक ट्रांसफार्मर है वो क्या ट्रांसफॉर्म करता है? वोल्टेज, करेंट, फ्रिक्वेंसी या पावर? तो आपका सही आंसर क्या होगा कि एक ट्रांसफार्मर है कभी भी क्या करता है? जो पावर है पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, ना ही वोल्टेज को करता है, ना ही करंट को करता है, ना ही फ्रिक्वेंसी को करता है, किसको करता है? पावर को करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट रेज और लोअर द वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई। कोई भी अगर डीसी सप्लाई की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर कभी भी क्या है कि ना ही वोल्टेज को कम कर सकता है, ना ही बढ़ा सकता है, ठीक है? ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है? देर इज़ अ नो नीड टू चेंज द डीसी वोल्टेज। ऑप्शन बी जो है, आ डीसी सर्किट हैज़ मोर लॉसेस। ऑप्शन सी जो है, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर नॉट वैलिड सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज जीरो, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो जो फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो वैलिड ही नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे काम ही नहीं करता है, ठीक है? इस वजह से ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर सही होगा। 19वें क्वेश्चन को देखते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज अ लो वोल्टेज वाइंडिंग। ऑप्शन बी जो है आपके पास इज ऑलवेज अ हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ऑप्शन सी जो है कुड एदर बी अ लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ द अबव, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 19वां क्वेश्चन दे रखा है आप सबके सामने, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑप्शन ए इज ऑलवेज अ लो वोल्टेज वाइंडिंग, ऑप्शन बी है इज ऑलवेज अ हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ऑप्शन सी जो है कुड एदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज, और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है, कुड एदर बी अ लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है? तो लो वोल्टेज वाइंडिंग भी हो सकता है वो, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग में आपका हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज़ अ मोर नंबर ऑफ टर्न्स। तो विच वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज़ अ मोर नंबर ऑफ टर्न्स, कौन सी वाइंडिंग के पास होता है? लो वोल्टेज वाइंडिंग के पास होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग? सही आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन बी जो है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो है सही होता है, इसके पास क्या होते हैं? मोर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज द ऑर्डर ऑफ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखें। तो एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज ऑफ द ऑर्डर 98%, 100%, 25% या फिर 50%। सही आंसर क्या होगा इसका? तो एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? 98%। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा, 98%। अगला क्वेश्चन दे रखा है आप सबके सामने। इन अ गिवन ट्रांसफार्मर फॉर अप्लाइड वोल्टेज लॉसेस विच रिमेन कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव लोड चेंजेस आर। इन अ गिवन ट्रांसफार्मर फॉर अप्लाइड वोल्टेज लॉसेस विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोड चेंजेस आर। फ्रिक्शनल या विंटेज लॉसेस, या ऑप्शन बी हो गया आपका कॉपर लॉसेस, ऑप्शन सी जो हो गया हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन डी जो हो गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या होगा इसका? तो कौन सा जो कांस्टेंट होता है, तो आपका सही आंसर क्या है? हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अ कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर। तो कॉमन, सबसे कॉमन मेथड जो है हमारा, अगर हम कूलिंग कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की, तो क्या है? नेचुरल एयर कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग, ऑयल कूलिंग या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑयल कूलिंग, ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। जो कॉमन मेथड है कूलिंग का ट्रांसफार्मर का, वो क्या करते हैं हम? ऑयल कूलिंग करते हैं, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत वीडियो से नॉलेज वगैरह मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी जैसी कोई लेटेस्ट वीडियो आती है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। आगे देखते हैं हम। द नो लोड करंट इन अ ट्रांसफार्मर लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन अबाउट ऑफ। तो नो लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर, लैग करता है कितने अप्लाइड वोल्टेज बाय एंगल ऑफ अबाउट, कितना एंगल होता है वो पहले भी बताया था, ऊपर क्वेश्चन आया था अभी सेम क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, कितना? 75 डिग्री जो है सही आंसर है आपका। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन अ ट्रांसफार्मर रूटीन एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन। तो ट्रांसफार्मर रूटीन में एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे, या फिर लोड करंट पे, या फिर पावर फैक्टर ऑफ लोड, या फिर ऑप्शन बी और सी दोनों। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। तो इन अ ट्रांसफार्मर रूटीन इफिशियंसी डिपेंड अपॉन लोड करंट पे भी और पावर फैक्टर ऑफ द लोड भी। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 25 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। वीडियो से हल्की फुल्की भी नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ठीक है। ऐसी एमसीक्यू क्वेश्चन और सीरीज लाते रहूँगा, आप मोटिवेट करते हैं, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, तो इससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। Thanks for watching.